हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल आशुष स्मूथ खान। दोस्तों, जैसे कि आपने ये सॉन्ग देखा, ये सॉन्ग है कार्तिक आर्यन की आने वाली मच अपडेटेड फिल्म शहजादा का, और उसको गाना जो है करेक्टर ढीला, ये गाना सलमान भाई का है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी सुन लिया है, मैं करूँ तो साला करेक्टर ढीला है, तो इस गाने को फिर से रिमेक किया गया है और इसमें फिर से जो है कॉपी करते हुए नजर आए कार्तिक आर्यन। जैसे कि कार्तिक आर्यन के पास कोई काम ही नहीं बचा है, वो अब फिल्मों के साथ साथ गाने की भी कॉपी करने लगे हैं। जैसे इससे पहले उन्होंने भूल भुलैया किया था, उसके बाद इसका किया है, तो दोनों गाने की माँ बहन की है। पहले वाला तो खैर चल गया, बहरहाल ये वाला तो बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि सलमान भाई की जगह कोई ले ही नहीं सकता, और हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि सलमान भाई के गाने पे कोई और नजर आएगा। आपने वो सॉन्ग तो देखा, अब आपको मैं सलमान खान वाली एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ, आप वो भी देखो। है क्या बाहों में मुन्नी है या शीला है, इश्क के नाम कह करते सभी अब रास लीला है। देखा कितना फर्क है जमीन आसमान का। जैसे गब्बर के डायलॉग ना, गब्बर को कोई हरा सकता है तो सिर्फ गब्बर, तो सलमान खान को रिप्लेस कर सकता है तो सिर्फ सलमान भाई, और कोई उसके आसपास भी नहीं है जो सलमान भाई इतना कर पाए। एक चीज ये भी बोल देता हूँ, स्टेप करने से एक दो स्टेप उनके पास आता है, वही स्टेप उसमें भी भूल भुलैया में भी किया था, वही स्टेप इसमें भी करते हुए नजर आते हैं। तो एक चीज में बता दूं, स्टेप लाख आपके पास आता हो, बस जो फेस है ना, एक्सप्रेशन है, जो कहने का बोलने की स्टाइल है, और सॉन्ग में मस्ती की जो स्टाइल है ना, वो सलमान भाई जैसी किसी की हो ही नहीं सकती। देखो सलमान भाई खड़े होकर भी जी आंखों से या अपने होठों से कोई इशारा भी करते हैं ना, वो झकास लगता है, जबरदस्त लगता है, तो उनकी कॉपी कोई कर ही नहीं सकता। भाई साहब, आपकी ये जो फिल्म है, मैं तो 100% बोलता हूँ ये फिल्म बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होगी, क्योंकि आपके पास ओवर एक्टिंग की दुकान है। अल्लू अर्जुन की आप कॉपी करोगे यार, अल्लू अर्जुन है, आप उनके आस पास कहाँ टिकते हो। मुझे तो ये कार्तिक आर्यन जिसको भी फेवरेट लगता हो, मुझे उनकी फिल्म आज तक कभी पसंद ही नहीं आई, कभी भी। ये ओवर एक्टिंग जबरदस्त करता है बंदा, इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब पता नहीं कैसे इसको लोग सुपरस्टार है और एक्टर मानते हैं, ये तो उनकी मर्जी है। बट इस गाने को देखने के बाद मुंह से सिर्फ गाली निकल रही है कि इतना थर्ड क्लास गाना है यार, पूरी गाने की वाट लगा दी। लेकिन आज भी पुराना गाना सलमान वाला सुनो ना, मजा आती है देखकर बार बार। इसका ट्रेलर भी रिलीज हुआ था ना, वो ट्रेलर भी मुझे पसंद नहीं आया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और गाना जो है वो भी है, क्योंकि बॉलीवुड में पहले तो मूवियां कॉपी होती थी, अब तो सारे सारे गाने ये बंदा कॉपी करने पर लगा हुआ है। वो कॉपी क्या करने पर लगा है, पूरे गाने की वाट लगाने पर लगा है। इसने कसम खाई है पूरे गाने की, जो जितने भी जबरदस्त गाने हैं उसकी वाट यही बंदा लगाएगा। बहरहाल, आपने ये गाना आपने देखा, आप मुझे बताओ कि कहीं से भी सलमान भाई ये जरा से बराबर भी आता है, 1% भी सलमान भाई बराबर है ये इस गाना? आपने गाना देखा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। मुझे तो बिल्कुल थर्ड क्लास लगा, और मैं क्या बोलूँ इस बंदे को अगर, लेकिन पुराने गाने की माँ बहन मत कर मेरे भाई, तू अपनी नौटंकी जो कर रहा वही कर तू। बड़ा दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, कमेंट करके हमें जरूर बताना, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना, सी यू अगेन।